एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। इसके अंदर इवेल्युएट करना है हमें फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? अगर मैं देखूं, मैं 103 को 100 + 3 लिख सकता हूं, इनटू 107 को 100 + 7 लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां देखूं मैं, ये जो है कुछ इस तरीके से भी लिखा जाएगा, क्योंकि जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे मल्टीप्लीकेशन ही होता है। अब यहां पे देखूं कि कौन सी आइडेंटिटी यहां पे इस्तेमाल हो सकती है। तो देखिए, पहला टर्म जो है वो तो सेम है और दूसरा टर्म जो है वो डिफरेंट है, यानी ये कुछ इस आइडेंटिटी को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो आइडेंटिटी होती है वो x² + a + b होल x + a * b। अब जहां पर x है वहां पर मैं 100 मानूंगा, और a जो है मेरा 3 के बराबर होगा और b 7 के बराबर होगा। मैं इस इन वैल्यूज को इस आइडेंटिटी के इस्तेमाल करूंगा इसके अंदर पुट करके। x² का मतलब है 100 का स्क्वायर, और a + b का मतलब है 3 + 7 होल x मतलब 100, a * b मतलब 3 * 7। 100 का स्क्वायर जो होता है वो 10,000 होता है, 3 + 7 जो है 10 हो जाएगा, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा और 3 7 से 21 होता है। अब अगर मैं देखूं, ये जो है कुछ इस तरीके से, और ये सिंपली क्या होंगे, ये ऐड हो जाएंगे इस तरीके से, और मेरा जवाब आ जाएगा इसको ऐड करके 11021, ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से इसी पार्ट का, इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसको इवेल्युएट करना है 95 * 96। अच्छा, तो क्या मैं 95 को 100 - 5 लिख सकता हूँ और 96 को 100 - 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ देखूँ, पहली टर्म जो है वो सेम है और दूसरी टर्म जो है वो डिफरेंट है, इसका मतलब ये इसी आइडेंटिटी को फॉलो करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ देखूँ मैं, एक्स जो है वो 100 के बराबर हो जाएगा और ए जो है वो -5 के बराबर होगा, क्योंकि इस आइडेंटिटी में कहीं पर भी माइनस नहीं है। तो अगर माइनस आ भी जाता है इस पैटर्न को फॉलो करता हुआ, तो हमें उस माइनस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ए की वैल्यू -5 हो जाएगी और बी की वैल्यू जो है -4 हो जाएगी। अब इन वैल्यूज को मैं इस आइडेंटिटी के अंदर पुट करूंगा और देखूंगा क्या जवाब आता है, यानी x² + a + b होल x + a * b। यानी x² का मतलब है 100 स्क्वायर + a का मतलब है -5, इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ, प्लस बी -4 है। जो भी माइनस वाली नंबर्स होते हैं उनको ब्रैकेट में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब भी हम, मान लीजिए यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, मगर जहाँ माइनस होता है वहाँ पे कहानी बदल जाती है। तो ए जो है वो -5 है इंटू बी जो है -4 है। अब मैं 100 का स्क्वायर ओपन करूँ तो ये कुछ 10,000 लिखा जाएगा, ये जो है माइनस ही रहेगा और प्लस माइनस माइनस होता है * 100। देखिए, माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाएगा और 5 * 4 = 20 होता है। और ये इस तरीके से यहाँ पे देखूँ मैं, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 9 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दोनों जब माइनस के होते हैं तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है, मगर साइन माइनस का ही लगा रहता है। तो अब क्या है कि यहाँ पे प्लस माइनस जो है माइनस हो जाएगा और 9 * 100 900 हो जाएगा + 20। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर कुछ इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, 10,000 + 20, इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा, और इसमें से मुझे 900 माइनस भी करना है तो इस तरीके से माइनस कर सकते हैं, तो ये मेरा जवाब आ जाएगा 9120, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट जो है 104 * 96, इसको क्या है, 100 को मैं 100 + 4 लिख भी 4 लिख सकता हूँ और 96 को मैं 100 - 4 लिख सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ भी ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूँ दोनों ही नंबर जो हैं, यानी 104 104 यहाँ पे दोनों सेम है,
मगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर मैं देखूँ ये किसी आइडेंटिटी को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, यानी ए प्लस बी है माइनस बी, और मुझे पता है ये जो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है, तो आगे जो है यानी इसके अंदर ए जो है वो 100 हो जाएगा और बी जो है वो 4 के बराबर होगा। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर माइनस क्यों कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि ये पहले से ही सेम पैटर्न पे है। इसमें देखिए माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो एज इट इज़ हम क्या करते हैं इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है 100 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10,000 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो मेरा जवाब आएगा 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8, 9 9, ये जवाब हो जाएगा।